सो हेलो व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ मैं आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो गाइस आज मैं आपको देने वाला हूँ DBLM की तरह आप एडिट कैसे कर सकते हैं अपने काइन मास्टर सॉफ्टवेयर में, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक क्लिप बना लेना है। जैसे अभी आप ये बैकग्राउंड में मेरा क्लिप देख रहे हैं, ये देखिए गाइस, अभी ये वाला एडम बाबा हवा में उछलेगा। ये देखो गाइस, मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए जिधर आपका जो एनिमे है वो हवा में रहे और आप बिल्कुल नीचे ज़मीन में रहे। फिर आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर स्प्लिट हेड प्ले हेड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर एक कैची वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं उस कैची वाले ऑप्शन में मैंने दबाया और यहाँ पर राइट प्ले हेड को मैंने जो है कट कर दिया। अब इसको हम लोगों को एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। वहाँ पर आपने एक ये देखा होगा स्क्रीन शॉट का एक आइकन, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको चले जाना है अपने रीटच एप्लीकेशन में, फ़ोटो रीटच वाले एप्लीकेशन में आप जा सकते हैं। फिर आप फ़ोटो रीटच वाले एप्लीकेशन में जैसे यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर वो वाला फाइल इनपुट करना है जिसका भी अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है काइन मास्टर में से। फिर आपको यहाँ पर आके अपने कैरेक्टर को जो है रिमूव कर देना है, बाकी सब चीज़ यहाँ पर रह जाएगी। बस और बस आपको अपने कैरेक्टर को जो है यहाँ पर एक बारी में रिमूव कर देना है। यहाँ पर आपको इस ऑब्जेक्ट रिमूवल में जाना है और फिर इस ब्रश के साइज़ को छोटा बड़ा जैसे आप करें वैसे करते हुए इस कैरेक्टर को जो है यहाँ से बिल्कुल से रिमूव कर देना है। फिर यहाँ पर गो वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सब चीज़ ख़त्म गायब, मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप इसको यहाँ पर से सेव कर सकते हैं, वहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में एक सेव वाला एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन रहता है। फिर सेव कर लेने के बाद फिर से आपको आ जाना है काइन मास्टर वाले अपने एप्लीकेशन में। फिर काइन मास्टर वाले एप्लीकेशन में आने के बाद आपको ये वाली जो फ़ोटो अभी आपने जो रिटच एप्लीकेशन से जो की है उसको आपको यहाँ पर आगे जो इनपुट कर लेना है, आपको यहाँ से एक बार देख लेना है प्ले करके। देख सकते हो आप, जैसे मैं अभी प्ले करके देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एडम बाबा को एक गोली मारी और यहाँ पर एडम बाबा को एक गोली लग गई और यहाँ पर एडम बाबा कूदे और यहाँ पर रुक गया। फिर यहाँ पर इसके आगे आपको चले जाना है यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन में। फिर आपको चले जाना है आपके वो वाले फ़ोटो में जहाँ पर अभी आपने जो अभी आपने किया था ना रिटच एप्लीकेशन से जिस चीज़ को रिमूव किया था वो वाली फ़ोटो जो है आपको यहाँ से ले लेनी है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया से ये वाली फ़ोटो आ गई। फिर इसकी लेंथ को जो है थोड़ा बड़ा कर देना है अपने वीडियो के अनुसार, जितना बड़ा आपका वीडियो होगा या फिर छोटा वीडियो होगा जो भी होगा। तो गाइस उस वाले वीडियो में आपको आ जाना है और फिर एक बार आपको प्ले करके देख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कूदा और मैं गायब। फिर इसके बाद आपको चले जाना है गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड वाले ऑप्शन में। देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई, गाइस उधर पे आपको चले जाना है। फिर वहाँ पर आपको जाने के बाद आपको वो ग्रीन ग्रास जहाँ पर होती है ना गाइस, आपको पता होगा गाइस वहाँ पर ग्रीन ग्रास कहाँ पर होती है, वहाँ पर आपको ग्रीन ग्रास में चले जाना है बिल्कुल ही जल्दी से। अगर गाइस मैं वो दिखाने जाता तो थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाता, ये वीडियो ऑलरेडी है बहुत ज़्यादा लंबा है। तो गाइस सबसे पहले आपको वहाँ चले जाना है, देख सकते हो आप इस वीडियो में भी देख सकते हो गाइस ये वाला वीडियो जो अभी मैं देखो गाइस ये जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया ये ग्रीन ग्रास वाले जगह में, आपको पता होगा कहाँ होता है। फिर गाइस आपको यहाँ पर चले जाना है और फिर ये जो आपने व्हाइट कलर वाला जो लेयर आपने जो सिलेक्ट किया था ना न्यू प्रोजेक्ट में, उसको आपको ग्रीन कलर का कर लेना है। बहुत ही ईजी है वो करना, आपको पता होगा कैसे करता है। फिर वो कर लेने के बाद आपको जो ये वाला आपने जो एक ग्रीन ग्रास में जो ये चीज़ बनाई है ना उसमें आपको उसको क्रॉप कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर गाइज आपको यहाँ से यहाँ पर आप अपना एडजस्ट कर लीजिए कहाँ से आपको ये रिकॉर्डिंग आपने शुरू करनी है, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको चले जाना है गाइज यहाँ पर क्रॉपिंग वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। ये क्रॉपिंग वाले सेक्शन में जाके इसके मास्क को ऑन करना है, इसके शेप को ऑन करते हुए यहाँ पर आप इसको अपने कैरेक्टर को रख लीजिए और बाकी सब चीज़ को जो है वो ग्रीन स्क्रीन कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो फिर अब आपको करना क्या है, इसको पहले घसीट के ग्रीन स्क्रीन के पूरे पोर्शन में लेना है और ग्रीन स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देना है पूरे इस वीडियो के एंड तक। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर अब आपको करना क्या होगा, अब आपको इसका क्रोमा की को जो है अनेबल करना पड़ेगा और क्रोमा की को अनेबल करने के बाद आपको जो की कलर में जाना है और अपने डार्क ग्रीन कर लेना है। देखो यहाँ पर डार्क ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो डार्क ग्रीन आपको कर लेना है। फिर आपको अपना दिमाग लगाते हुए अब सिर्फ और सिर्फ अपने कैरेक्टर को रखना है और बाकी सारी चीज़ों को जो यहाँ पर रिमूव कर देना है। जैसा कि अभी आप इधर देख रहे हैं मैंने जैसे अभी इसको 28 किया, इसको थोड़ा ज़्यादा किया, इसको थोड़ा कम किया, ऐसे कर करके आपको जो है बस और बस अपने कैरेक्टर को रख लेना है और बाकी सब चीज़ को जो है यहाँ पर रिमूव कर देना है। देख सकते हो इतना बढ़िया से यहाँ पर जो है ग्रीन स्क्रीन एक बार में जो है यहाँ पर आपका निकल जाता है
और हाँ गाइज, इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, जो आपका जो ये इमोट का ये जो काला काला आता है ना गाइज, ये थोड़ा सा जो है ना वीडियो की क्वालिटी को है ना जो थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, तो आपको जो है ना इसको कट कर लेना है, जैसे मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। जो ये ब्लैक कलर वाला आने के पहले आपको एक स्प्लिटेड प्लेहेड लगा लेना है, फिर ये जो ब्लैक वाला आ जाएगा, और जब आप इमोट मारने के मतलब जब शुरू करेंगे उसी टाइम पे आपको जो है कट कर लेना है। देखना गाइज, अभी आप यहाँ पर एकदम स्लो स्लो आप आगे जाइए, ये देखिए गाइज, यहाँ पर एक मेरा करेक्टर बिल्कुल सीधा खड़ा है, यहाँ पर कट करना है ट्रिम लेफ्ट ऑफ, यहाँ पर प्लेड कर सकते हैं, फिर स्प्लिटेड प्लेड करके इसको डिलीट कर सकते हैं। फिर आपको गाइज ऐसे ऐसे कर करके बाकी सारे के सारे को रिमूव कर लेना है। एक बार आप प्ले करके देख सकते हैं इसको, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे एक करेक्टर गया मेरा, और देखना ब्लैक ब्लैक आएगा ही नहीं, और मैं लॉली मोट मार दूंगा, देखा गाइज इस तरीके से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला यहाँ पर वापस काला काला आ रहा है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको जो है यहाँ पर से रिमूव कर दूंगा, यहाँ पर ये काला काला अब यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ स्प्लिटेड प्लेहेड, और फिर यहाँ पर ये कब तक रहेगा, ये इतने टाइम तक है, और यहाँ पर मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो यहाँ पर जाऊँगा कट में जाऊँगा, और ट्रिम लेफ्ट ऑफ प्लेहेड को मैं यहाँ पर करके इसके इसके सामान में जो यहाँ पर लगा लूँगा, बिल्कुल एकदम इसके बगल में जस्ट ये वाली लेयर को टान के। और देख सकते हो गाइज, अब गाइज मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, या आप खुद से कर लीजिएगा, देख सकते हो गाइज यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फटाफट। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो, हाँ गाइज, और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रख लेनी है, आपको जो है ना यहाँ पर जंप वम्प भी करना है, क्योंकि वो आपको वो एनीवेयर डोर के अंदर जाना है, फिर वहाँ से बाहर निकलना है, तो उसके लिए आपको जंप भी करना पड़ेगा। फिर आपको वापस उसी प्रोजेक्ट में आ जाना है जिसमें आपने अपने आप को गायब किया था, वो रिटच वाले पोर्शन वाले में जो आपका वीडियो था मेन, जिसमें आपको एडिट करना है। वहाँ पर आने के बाद आपको जो है ग्रीन स्क्रीन जो है यहाँ पर लगा लेना है, जो अभी अभी आपने एक्सपोर्ट किया है उसको आपको यहाँ पर लगा लेना है। फिर आपको क्रोमा की वाले सेक्शन में जाना है, क्रोमा की वाले सेक्शन में जाने के बाद इसको जो है अनेबल कर लेना है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो, और नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हो, अगर आपका कैरेक्टर बिल्कुल स्मूथली दिख रहा है वहाँ पर बिना ग्रीन स्क्रीन का। यहाँ पर देखो गाइस, मेरा जो कैरेक्टर है थोड़ा छोटा है, तो उसको जो है मुझे बड़ा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मिलाना भी पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक जो छोटा सा मुझे गैप लग रहा है जिसमें वो मेरा जो कैरेक्टर है गायब दिख रहा है मुझे, तो उसको जो है थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ठीक है, अब जो है ये मेरे कैरेक्टर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ग्रीन स्क्रीन वाले कैरेक्टर को पहले वाले कैरेक्टर से मैच कराना है, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर मैच करा लूँगा एकदम बढ़िया से। और यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर ये बड़ा हो गया, ये जो अपना एडम बाबा है, सॉरी एडम बाबा आलोक बाबा है, वो गाइज हो गया है बिल्कुल। देखो गाइज इस तरीके से यहाँ पर जो है ग्रीन स्क्रीन लग गया, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर ही बाकी सब चीज़ को स्टॉप करके सिर्वर सी मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अभी है मेरा कैरेक्टर जंप कर रहा है, तो इसको मतलब शायद इसको शायद एनीवेयर डोर के बाहर जाना है, पर यहाँ पर एनीवेयर डोर के बाहर कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ना ही एनीवेयर डोर है ना ही कुछ और है। तो यहाँ पर आपको एक एनीवेयर डोर का ग्रीन स्क्रीन चाहिए होगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करने का। तो यहाँ पर जंप कर रहा है, तो यहाँ पर अभी हम लोग को यहाँ पर एनीवेयर डोर को इनपुट करना पड़ेगा, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड ज़रूर कर लेना, वो आप एनीवेयर डोर को ले सकते हो। यहाँ से आपको स्प्लिटेड प्लेहेड कर लेना, क्योंकि वो जंप वंप करेगा ना, तो उसमें आपको जो है की का काम पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे करना है। स्प्लिटेड प्लेहेड आप कर लीजिए, और यहीं से आपको जो है क्रोमा की एनीवेयर डोर को जो है यहाँ पर इनपुट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने किया, लेयर में गया, अरे यार लेयर में गया, मीडिया में गया, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ से चले जाऊँगा सीधा वो ग्रीन स्क्रीन वाले एनीवेयर डोर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से अभी मैं चले जाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको कर लिया, फिर इसका भी जो मैं क्रोमा की को अनेबल कर दूंगा, और इसको जो है मैं अपने हिसाब से जो है सेट कर लेता हूँ, इसका जो थोड़ा सा इसको छोटा मोटा बड़ा छोटा जो करना है वो करना पड़ेगा, कर लेता हूँ। फिर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने आलोक के साथ, जहाँ पर मैंने जो स्प्लिट किया था, देख सकते हो ये खुल रहा है, तो इसको जो ग्रीन स्क्रीन पीछे से हटाना पड़ेगा, इसका जो मैं साउंड बिल्कुल कम कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है इसका जो ग्रीन स्क्रीन को मैं जो अनेबल कर दूंगा अभी यहाँ से, क्रोमा की को यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ पर क्रोमा की, और यहाँ पर अनेबल। ओके, यहाँ पर कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया से हो जाता है अपने आप ही पहले से। एक बार आप प्ले करके देख लो, ये हंस रहा है, ये हंस रहा है, अभी तक हंसी रहा है, फिर यहाँ से कूदा और यहाँ पर एनीवेयर डोर आ गया। ओके गाइस, अब आपको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए इसको यहाँ पर कूदाना है। और फिर गाइस, और फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है गाइस, यहाँ पर ये जो कूद रहा है जो कैरेक्टर, उसको आपको एक थोड़ा लंबा जंप देना है। तो ओके गाइस, फिर यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक की वाला ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, अगर आप अपने इस
ग्रीन स्क्रीन वाले जो एन कैरेक्टर है उसके ऊपर दबाते हो, यहाँ पर आपको एक चाबी वाला ऑप्शन दिखेगा और प्लस वाले ऑप्शन में दबाते हुए आपको अपने कैरेक्टर को एनीवेयर डोर के सामने लेते हुए जाना है और उसको छोटा करते जाना है, सामने लेकर था छोटा करना है, सामने लेना छोटा करना है, कुछ इसी तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये हंस रहा है और फिर यहाँ पर ये कूद रहा है, ओके, और ये अंदर घुस गया, ठीक है, यहाँ पर एनीवेयर डोर के अंदर घुस गया। अब एनीवेयर डोर के अंदर घुसने बाद ये तो फायर करने लग गया, तो अब हम लोग इसको एनीवेयर डोर के बाहर भी निकालना है, कंप्यूटर स्क्रीन में भी लेकर जाना है, तो ये सब चीज़ अभी अपन करेंगे। यहाँ पर आपको स्प्लिट हेड प्लेट कर देना और जो बाकी का जो पोर्शन है उसको बहुत ज़्यादा आगे कर देना है, और जो एनीवेयर डोर का जो ये जो है उसको अपने बराबरी में कट कर लेना है, ओके। यहाँ पर ट्रिम राइट ऑफ प्लेयर, अगर आप लोगों को गाइस मज़ा आ रहा ना गाइस वीडियो देखकर तो गाइस लाइक कर देना गाइस, एक छोटा सा लाइक गाइस, क्या चाहता है बस, आपका उंगली भी दर्द नहीं होगी भाई इसमें तो, बस और बस आपको बटन दबाना है यार, ठीक है। ये होने के बाद अब आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए होगी, तो वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन गाइस कभी भी आप गूगल में अगर सर्च करें ना कि कंप्यूटर ग्रीन स्क्रीन, तो आपको वो मिल जाएगा बहुत ही ईजिली, तो आपको वहीं से डाउनलोड कर लेना है। मैंने भी एक स्क्रीनशॉट ले लिया था, मैं उसी को क्रॉप करता हूँ और क्रॉप करने के बाद डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो लिए थे गाइस मैंने वहीं से जो यहाँ पर कर लिया, देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स, देखो यहाँ पर मेरे जो यहाँ पर हैं इसी को मैं ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं जो क्रॉप कर लेता हूँ इसको बहुत ही बढ़िया से, यहाँ पर देखो गाइस इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ क्रॉप कर लेता हूँ इसको, ये आपको गूगल से मिल जाएगा, इसका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूँगा। तो फिर आपको इसको जो है अपने फ्रेम के हिसाब से जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से पूरा पुट कर देना है पूरे फ्रेम में आपके, ठीक है, फुल फ्रेम में। और यहाँ पर जो है हो गया, ये हो गया बस, अरे यार थोड़ा सा नीचे से रह गया यार, रुको मैं उसको भी कर दूँगा, पहले इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, पूरा फुल कर लेते हैं, ओके ओके, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ओके ओके डन। फिर अब गाइज आपको करना क्या है, देख सकते हो यहाँ पर जो कंप्यूटर स्क्रीन थोड़ा सा नीचे से बाकी, रुको गाइज पहले मैं इसको ये कर लेता हूँ, हाँ। अब आपको करना क्या है गाइज, जो आपने रिटच वाला जो फोटो जो है आपने जो अपने आप को हटाया था ना, वो वाला फोटो जो है कंप्यूटर के स्क्रीन में लगा देना, वो आपको दिखा देता हूँ, लेयर में जाने, मीडिया में जाने, फिर जो आपने जो 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 रिटच एप्लीकेशन से जिसको हटाया था ना उसको लेना है और फिर उसको छोटा करने के बाद अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत ही अच्छे तरीके से लगा देना, फिर लगा देने के बाद इसको जो है थोड़ा बैकवर्ड में सेंड कर देना ताकि कंप्यूटर स्क्रीन कैसे बाहर निकला हुआ ना दिखे। देखो गाइस मैं आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो मैं इसको बड़ा कर दिया, अभी देखो गाइस ये कंप्यूटर स्क्रीन के थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन होगा, फिर सेंड बैकवर्ड में दबा देना और फिर यहाँ पर जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसको जो है क्रोमा की में जाके अनेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया ये, फिर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी आप देख सकते हो उदा, फिर यहाँ पर आया, ओके, तो ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब हो रहा है। फिर गाइज आपको जो नीचे जो अपना जो फोटो है उसको भी आपको फुल लेंथ का कर देना है, फिर पूरा बड़ा कर देना है, ठीक है, जितना कंप्यूटर फ्रेम है उतना है आपको पूरा इसको कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गाइज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये हो क्या रहा है, फिर याद आया कि अच्छा नीचे का इसको बड़ा करना पड़ेगा ये फ्रेम को, तो गाइज अभी ये फ्रेम को मैं बड़ा कर लेता हूँ सबसे पहले, ओके गाइज, तो यहाँ पर मैंने इस फ्रेम को जो है बड़ा कर लिया है। फिर यहाँ पर अब आप देख सकते हो आपको जो है अपना जो ग्रीन स्क्रीन का जो कैरेक्टर था ना जो आपने पूरा राइट में यहाँ पर ढकेल दिया था, इस वाले को जो है यहाँ से वापस ले आना, देख सकते हो, और ये जो जो एनीवेयर डोर का है ना उसको आपको डुप्लीकेट कर लेना ताकि आप वो उसमें भी ले पाओ, क्या बोलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में भी ले पाओ, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन के जो यहाँ पर पीछे चला गया है तो इसको जो फ्रंट में लिया था, यहाँ पर आपको इस एनीवेयर डोर वाले ग्रीन स्क्रीन में क्लिक करना है, फिर इसको थ्री डॉट्स में क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट में दबा देना, बस इतना सिंपल था। फिर आपको अपने तरीके से जहाँ पर आपको लगाने का मन है वहाँ पर आप लगा सकते हो एकदम इजीली, मैंने जो है इसको लेफ्ट साइड में लगाया था, यहाँ पर देख सकते हो गाइस इस तरीके से मैंने इसको जो यहाँ पर लगा दिया था। फिर गाइस अपने जो ग्रीन स्क्रीन वाला जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पर ले आना है, इसको यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखेगा एकदम बढ़िया से, आप देख सकते हैं ये जो गाइस यहाँ से बैक चला गया तो इसको ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पर आपको दबाना पड़ेगा, रुक जाइए यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट, ओके यहाँ पर ये आ गया है। फिर गाइज जब तक ये जो खड़ा है ना तब तक मैं अपन को इसको जो है ये एनीवेयर डोर के जो है यहाँ से बाहर निकाल देना है, ओके गाइज आप समझ रहे हो गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब तक ये खड़ा है ना इस तरीके से एकदम स्टिल खड़ा है ना तब तक आपको जो है एनीवेयर डोर के इसको बाहर निकालना है, तो आपको सेम प्रोसेस जो है यहाँ पर दोहराना है, जब ये एनीवेयर डोर खुल जाएगा तब आपको जो है इसको यहाँ पर ले आना है, फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक चाबी वाला ऑप्शन दिखेगा उसमें दबाना है, फिर उसमें दबाने के बाद आपको जो है प्लस वाले ऑप्शन में दबाना है,
फिर अपने जो कैरेक्टर को जो है बाहर लाना है थोड़ा बड़ा करना है, बाहर लाना है थोड़ा बड़ा करना है, इस तरीके से आपको अपने तरीके से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर, यहाँ पर एडजस्ट हो जाने के बाद एक बार आपको प्ले करके देख लेना है कि कैसा लग रहा है ये, कुछ इस तरीके का लग रहा है यहाँ पर, देख सकते हो बस। ओके, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर आके ये फायर करने लग गया, तो फायर करने के लिए यहाँ पर एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PNG का लिंक दे दूंगा, डैमेज PNG बोल के, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर जब ये गोली चला रहा है तब मैं वो PNG जो है यहाँ पर डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो डैमेज वाला PNG है उसको मैं यहाँ पर देखो इनपुट कर लिया, और फिर इसको जो है एडम बाबा के सर के ऊपर यहाँ पर अपने मर्जी से एडजस्ट कर लेना। तो यार आप लोगों को मज़ा तो आ रहा है ना गाइस, वैसा कुछ टफ एडिटिंग नहीं है, आप लोगों को यार मज़ा आएगा यार करने में, ज़्यादा लंबा भी प्रोसेस नहीं है यार, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आराम से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये गोली मार रहा है और फिर यहाँ पर ये जो डैमेज अपने आप यहाँ पर आ जा रहा है, जबकि हम लोग ने इसको कुछ किया भी नहीं था। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये जो डैमेज एकदम ईजिली यहाँ पर आ जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो और प्ले करके यहाँ से निकला था, यहाँ पर आ गया डैमेज। फिर अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लॉली मुट मारा, और जब मैंने गर्दन काटी तब मुझे जो है मेरे को इस वीडियो को प्ले करना और ऐसा दिखाना है कि एडम बाबा मर गया और मेरा हेडशॉट में किल आ गया। तो गाइज़ वो अब आप कैसे कर सकते हो, ये तो गाइज एक फ़ोटो है, तो आपको एडम बाबा को जो यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो सेम आपको उसी प्रोसेस में जाना है जैसे आपने वो रिटच एप्लीकेशन से अपने आप को रिमूव किया था, वैसे ही अभी आपको एडम बाबा को भी रिमूव कर देना है बहुत ही ईजीली। जैसा कि आप देखोगे थोड़ा सा आगे, यहाँ पर अब आप रिटच एप्लीकेशन में चले जाओ एकदम ईजीली, रिटच वाले एप्लीकेशन में गए, फिर बस आपको यहाँ से रिमूव कर देना है अपने एडम वाले बाबा को, वही वाली फाइल इनपुट कर लेने जो आपने पहले जो रिमूव किया था ना अपने अपने आप को, उसमें से अभी आपको यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये वाली फाइल इनपुट हुई जिसमें मैं गायब हूँ। अब यहाँ पर से मैं एडम बाबा को भी जो है आपसे गायब कर दूंगा, यहाँ पर वही सेम प्रोसेस से ऑब्जेक्ट रिमूवल और फिर ये ब्रश को साइज़ छोटा करते हुए यहाँ पर एडम बाबा को जो है मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, मोको के वो जो साइन है ना उसके साथ ही गायब कर दूंगा, और उसके गन वन भी सब कुछ गायब हो जाएगी। यहाँ पर गो वाले ऑप्शन में क्लिक किया और बुम, अरे बुम, अरे भाई गलत हो गया, आ हाँ गैस गायब, बुम हो गया, जहाँ पर जो है गायब हो गया। फिर यहाँ पर अब आपको वापस सेम प्रोसेस से सेव कर लेना है, सेव कर लेने के बाद आपको जो है काइन मास्टर वाले एप्लीकेशन में आ जाना है। काइन मास्टर वाले एप्लीकेशन में आने के बाद आपको जो है उस वाले फोटो को जो है यहाँ पर इनपुट कर देना है, यहाँ से आपको जो है ये जो डैमेज है यहाँ तक ही आपको रखना है, जब तक ये गर्दन मतलब जो भी आपको इमोट जो मारना है वो वाला इमोट आप मार सकते हो प्ले करने के लिए वीडियो, ये वाला मैंने इमोट मारा है गर्दन काटने वाला ऐसे चेक वाला, तो वो वाला इमोट आप मैंने मारा है, आप भी मार सकते हो, आपके पास जो इमोट है वो वाला मारिए। फिर आपको ये डैमेज वाले PNG को थोड़ा बड़ा कर देना है, अपने हिसाब से आपको सेट कर लेना है। और यहाँ से सपोज़ मुझे अब कहीं से भी एक हेडशॉट वाला वो चाहिए होगा ना ग्रीन स्क्रीन, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही ईजी है उसको जो है यहाँ पर डाउनलोड करना, मेरे डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट एक क्लिक में डाउनलोड हो जाता है। तो वैसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर डाउनलोड कर लेने के बाद आप पर यहाँ पर आपको वो इनपुट कर देना है, इसके आगे डैमेज के आगे आपको वही वाला जो है ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर इनपुट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो है यहाँ पर इनपुट हो गया है, यहाँ पर ये देखो गाइज, यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर आराम से रख लेता हूँ अपने PC के ऊपर, और यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ पर इसको क्रोमा की ऑन कर दिया, और इसको जो है अपने मर्ज़ी से जो है यहाँ पर वो कर सकते हो गाइज, आप एकदम ईजीली यहाँ पर सेट कर सकते हो, ताकि जो थोड़ा थोड़ा इसमें जो ग्रीन स्क्रीन बार बार दिखता है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हो। फिर यहाँ से जब से हेडशॉट आ जाएगा उसके बाद जो है आपको ट्रिम राइट ऑफ प्लेट कर देना है। फिर यहाँ पर अब आपको आगे का जो पोर्शन है उसको सारे के सारे को डिलीट कर देना है, और फिर इसके बाद आपको चले जाना है वो वाले फ़ोटो में जो अभी अभी आपने रिटच एप्लीकेशन से जो अभी अभी जस्ट आपने एडिट किया था, जिसमें अपने एडम बाबा को जो गायब कर दिया था, तो वो वाला गायब वाला जिसमें एडम बाबा भी गायब है और आप भी गायब है, वो वाला आपको चाहिए रहेगा PNG बोलो JPG, उसको JPG बोलते हैं इमेज के फॉर्मेट को, तो वो आपको कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अरे भाई ये क्या हो रहा है, इस तरीके से फिर सेम प्रोसेस से इसको उसके पीछे कर देंगे कंप्यूटर के, सेम प्रोसेस से ब्रिंग सेंड बैकवर्ड में दबा देंगे, बस हो गया। यहाँ पर अब देख सकते हो गाइस मेरा जो कैरेक्टर है ना गाइस उसके अंदर छुप गया है गाइस, देख सकते हो इस तरीके से कुछ मेरा कैरेक्टर जो है यहाँ पर छुप गया। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो है देख सकते हो गाइस मेरा कैरेक्टर लोल भाई छुप गया। तो गाइस अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसको जो है ब्रिंग टू फ्रंट में यहाँ पर आपको दबाना पड़ेगा,
गाइस यहाँ पर वो गलती से मैंने ट्रिम ट्रिम कर दिया था गाइस इसको। गाइस कोई बात नहीं, ये तो गाइस रिकवर हो जाएगा एक मिनट में। तो गाइस यहाँ पर आपको जो है कर लेना है, यहाँ पर क्या नाम है इसको, ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पर जो है दबा के कर लेना है आपको। यहाँ पर एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो थ्री डॉट्स है उसमें आपको करके ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पर बहुत ही ईजीली हो जाएगा वो आपको, बस और बस एक मिनट में यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर हो गया। अब एक बार आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, ये देखिएगा इस कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया भी लग रहा है ये देखने में। हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो परफेक्ट यहाँ पर हो गया बिल्कुल। यहाँ पर अब आपको जब से आपका जो हेडशॉट वाला किला है तब से आपको वो जो एडम बाबा जो रिमूव हो गए थे ना, जिसमें हम लोग ने जो JPG बनाया था अपना, उसको यहाँ पर इनपुट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो गर्दन काटा और यहाँ पर हेडशॉट, ठीक है। यहाँ पर बहुत इजी तरीके से अपना जो है फाइनल एडिटिंग का गाइस आ गया है लगता है लुकआउट, एक बार अपन प्ले करके देख लेंगे। ओके, और बाकी ये जितने भी बचे हुए पार्ट्स है उसको ट्रिम राइट ऑफ प्ले ऐड कर देना है बहुत ही ईजीली। एक बार आप प्ले करके देख ले पूरा का पूरा पार्ट, देख सकते हो जिस तरीके से मैं गया यहाँ पर आया और यहाँ पर एडम बाबा को मैंने एक गोली मारी और यहाँ पर वो एडम बाबा कूदे और यहाँ पर मैंने पूरे सब चीज़ को पॉज करते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं हिल रहा हूँ ऐसा मैंने जो है एक मतलब मस्त सा एक वो बना लिया है एनिमेशन। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर निकला मैंने हेड मारा और लॉल इमोट मारा और यहाँ पर गर्दन काटी तो ये प्ले हो गया वीडियो और ख़त्म। ओके गाइज, तो ये गाइज ऐसी एडिटिंग दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है और गाइज आजकल ये ट्रेंड में भी है। तो गाइज प्लीज़ आप लोग एक बार काइन मास्टर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है जैसा मैंने आपको बताया, वो आप स्टेप फॉलो कर करके आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और गाइज जितने भी चीज़ मैंने इस वीडियो में यूज़ किए सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक क्लिक में डाउनलोड होगा गाइज, प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर एक्सपोर्ट एकदम ईजिली यहाँ पर कर लेना है पूरे हाई FPS में। मेरा तो गाइज पहले से एक्सपोर्टेड है तो मुझे एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको और भी ट्यूटोरियल मिलता रहे। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और गाइज प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दे, गाइज मैंने आज तक नहीं बोला बट गाइज इस वाले वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।